हेलो ट्रेडर्स, मैं हूँ प्रशांत। आज फिर से मैं एक नया स्टॉक लेके आया हूँ जिसमें हम लोग फिर से एक सिंपल प्राइस एक्शन के थ्रू एक स्टॉक का ट्रेंड समझेंगे, उसका पैटर्न समझेंगे, उसका अभी बिहेवियर समझेंगे, करंट सिचुएशन में कहाँ पर डिमांड है, कहाँ पर सप्लाई है वो देखेंगे, उसका टारगेट क्या है, स्टॉप लॉस, एकदम सिंपल प्राइस एक्शन के बेसिस पे। तो चलो देखते हैं इसका प्राइस एक्शन। मारुति सुजुकी का ये डेली टाइम फ्रेम है। मैं डायरेक्टली सब मार्क कर चुका हूँ तो ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा देखने के लिए, तो मैंने पहले ही सब कुछ यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो जैसे कि ये डेली टाइम फ्रेम में क्लियर कट एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, जो कि एक बुलिश पैटर्न होता है कोई भी स्टॉक में। तो आप ये यहाँ पर देखो, एक लेफ्ट शोल्डर है, एक हेड और एक ये राइट शोल्डर। इसके बाद यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, ये जो नेकलाइन थी, ये जो रेजिस्टेंस था, यहाँ से स्टॉक रेजिस्ट कर रहा था, इसका ब्रेकआउट हुआ, फिर ये फर्स्ट टाइम आज रिटेस्ट के लिए आ चुका है। तो ये हमारा बाइंग जोन है, ठीक है। तो ये रिटेस्ट बाइंग जोन यहाँ पर 7360 7380, ये मुझे लेवल मिल गया। स्टॉप लॉस क्या होगा? अब स्टॉप लॉस आप ये भी रख सकते हो, इसके नीचे अगर क्लोज होता है तो, अगर एकदम ही 4 से 5 दिन के लिए अगर आप ये स्टॉक ले रहे हो तो इसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो, या फिर एक जो जेन्युइन स्टॉप लॉस होता है वो ये होगा, स्टॉप लॉस 6930 का। इसके नीचे अगर प्राइस क्लोज होती है तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर होगा वो इनवैलिड हो जाएगा। अब टारगेट कैसे मैंने डिसाइड किया है, तो ये जो फर्स्ट टारगेट है वो क्या होता है कि ये देखो, ये जो राइट शोल्डर था मेरा, इसका जस्ट मेजरमेंट मैंने यहाँ पर रख दिया तो ये मुझे एक टारगेट मिल गया फर्स्ट। तो फर्स्ट प्रॉफिट बुकिंग कहाँ पर होगी? यहाँ पर, इस लेवल पे। अब ये जो टारगेट है वो भी एक सिंपल तरीके से, ये जो हेड का स्ट्रक्चर था, ये उसकी रेंज है ये, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो टारगेट हम लोगों ने यहाँ पर प्लॉट कर दिया, तो मुझे ये 8300 ये वैल्यू मुझे मिल गई। तो इतना बेसिक सिंपल प्राइस एक्शन है, यहाँ पर बाय करना है, स्टॉप लॉस ये लगाना है अगर आपको 2 या 3 दिन के लिए रखना है तो, और अगर लॉन्ग स्विंग खेलना है तो आप ये स्टॉप लॉस लगा सकते हो। ये आपका फर्स्ट टारगेट होगा 7% और ये आपका 12% का फाइनल टारगेट होगा, यहाँ पर प्रॉफिट आप फुल्ली बुक कर सकते हो, ठीक है। अब हम बैक टेस्टिंग करेंगे। तो बैक टेस्टिंग में क्या क्या देखना है हमें, स्टॉक ये पैटर्न फॉलो करता है कि नहीं, तो हम लोग देखते हैं कि पीछे जाके देखना है। हमेशा कोई भी अगर आप स्विंग ट्रेड ले रहे हो, अगर अमाउंट वहां पे प्लॉट कर रहे हो, तो आपको बैक टेस्ट करना जरूरी है कि वो पैटर्न वो फॉलो करता है या नहीं। तो अभी आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर एक हेड है, यहाँ पर एक लेफ्ट शोल्डर, ये हेड, ये मेरा राइट शोल्डर, प्राइस यहाँ पर एक पैटर्न बना, देख रहे हो आप, यहाँ पर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना, ब्रेकआउट, रिटेस्ट और ऊपर भाग गया। मतलब यहाँ पर ये स्ट्रक्चर फॉलो हुआ, इस पैटर्न को इसने फॉलो किया है। और पीछे जाके देखते हैं हम लोग, ऐसी आपको बैक टेस्टिंग करनी है हर स्टॉक में, कि अगर आप कोई भी पैटर्न में ले, और ये डेली टाइम फ्रेम में हम लोग चेक कर रहे हैं, तो डेली टाइम फ्रेम में आप 5 मिनट्स 15 मिनट्स का कैंडल नहीं देखोगे, डेली क्लोजिंग देखोगे आप, डेली में क्लोजिंग उसकी हुई या नहीं, तो डेली ट्रैक करना है आप। 5 मिनट्स में ट्रैक करते रहोगे तो आप कंफ्यूज होते रहोगे, क्योंकि वॉलेटिलिटी रहेगी स्टॉक में। यहाँ पर देखो, ये डाउन ट्रेंड, लेफ्ट शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर हेड, राइट शोल्डर, नेकलाइन ब्रेकआउट यहाँ पर हुआ है, और स्टॉक देखो ये डेली टाइम, उस वक्त अभी ये 2016 का
डेटा है, तो वहाँ आप उस वक्त ज़्यादा वॉलीटिलिटी नहीं होती थी, स्टॉक 1% 0.5% मूवमेंट होता था, तो इसके लिए आपको ये छोटी छोटी कैंडल्स दिखेगी, लेकिन स्टॉक ऊपर ही गया है, देखो ये कहाँ तक गया है ये स्टॉक। तो दो पैटर्न हमें मिले जहाँ पर दोनों बार स्टॉक ऊपर ही गया है। अब और देखते हैं, ये देखो यहाँ पर लेफ्ट शोल्डर हेड राइट शोल्डर, बस हमें नेकलाइन मार्क करनी है। पैटर्न ब्रेकआउट, फिर स्टॉक ऊपर ही गया, पूरा टारगेट मिल गया। इस ये जो रेंज है इतनी बड़ी थी, अगर मैं कैलकुलेट करूँ, और यहाँ पर प्लॉट कर दूँ तो यहाँ पर टारगेट मिल चुका है, उसके बाद देखो फॉल आ गया। तो 3 बार ये पैटर्न वर्क कर चुका है मारुति सुजुकी स्टॉक में। फिर देखते हैं कहीं पर पैटर्न मिल रहा है कि नहीं, यहाँ पर भी एक छोटा पैटर्न है, आप देख पाओगे आप, ये लेफ्ट शोल्डर हेड राइट शोल्डर ब्रेकआउट और फिर स्टॉक ऊपर गया। अब ये छोटा पैटर्न, अब छोटे टाइम फ्रेम में देखोगे ना तो ये पूरा पैटर्न आपको दिख जाएगा, ये डेली टाइम फ्रेम में देख रहा हूँ इसके लिए सब छोटा कैंडल दिखेगा। अगर मैं इसका 1 आवर चार्ट को ओपन करूँ और इस टाइम फ्रेम में इसको यहाँ इस जगह पे देखूंगा ना, तो ये मुझे क्लियर कट ये पूरा पैटर्न दिखेगा। इसको भी आप एक हेड एंड शोल्डर की तरह ले सकते हो, ये लेफ्ट शोल्डर ये हेड ये राइट शोल्डर ब्रेकआउट ऊपर गया, मतलब 4 टाइम स्टॉक सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है और पीछे जाते हैं। देखते हैं, ऐसी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी सब, हर बार स्टॉक अगर ये पैटर्न फॉलो कर रहा है तो हम लोग ट्रेड लेंगे। बहुत बड़ा डेटा है ये, तो आपको ये देखो फिर से लेफ्ट शोल्डर हेड, या आप इसको राइट शोल्डर बोल सकते हो, इसको भी बोल सकते हो, नेकलाइन कहाँ से ड्रॉ होगी, इस ब्रेकआउट से। अब दिख रहा है ब्रेकआउट, स्टॉक ऊपर चलेगा, देखो वॉलीटिलिटी उस वक्त, अब ये 2009 का डेटा है, 2009 में इसी कैंडल से समझ में आ रहा है कि वॉलीटिलिटी कितनी कम होती थी वहाँ पे। स्टॉक देखो यहाँ पर सिर्फ 4%, यहाँ पर 3%, कैंडल्स बहुत छोटी छोटी बनी, लेकिन टारगेट मिल गया इसका, ये पूरा रेंज का अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो ये पूरा टारगेट मिल गया। तो मतलब 5th टाइम स्टॉक इनवर्स हेड एंड शोल्डर को रिस्पेक्ट दे रहा है, ठीक है। अभी जैसे कि हम लोगों को साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है, और ये डेली टाइम फ्रेम है, हायर टाइम फ्रेम में ज़्यादा चांसेस होते हैं कि पैटर्न सक्सेसफुल हो गए, तो एक अच्छा स्विंग ट्रेड होगा जिसमें अगर मैं रिस्क कैलकुलेशन करूँ तो ये अगर मैं इसका स्टॉप लॉस लगाता हूँ ये इस कैंडल के नीचे, तो मेरा 2% का रिस्क है अगर मैं यहाँ पर बाई किया है तो। और अगर मुझे एक बड़ा स्विंग प्ले करना है तो अगर ये जो जेन्युइन स्टॉप लॉस है वो मेरा 6% का है, इस लेवल से 6%, मेरा टारगेट क्या है 7 to 8% और वो 12%। तो ऐसे ट्रेड्स आपको लेने हैं एकदम सिंपल तरीके से, और प्ले करना है, हर बार पैटर्न चलेंगे नहीं चलेंगे वो बात की बात है, लेकिन आपको एक्शन तो लेना ही पड़ेगा ना। आप जब एक्शन ही नहीं लोगे तो आपको रिजल्ट कैसे मिलेगा, लॉस हो सकता है प्रॉफिट भी हो सकता है, तो जब एक्शन लोगे तब आपको दिखेगा कि लॉस है या प्रॉफिट है, अब एक्शन नहीं लोगे ना तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो जैसे कि ये मैंने आपको ये पैटर्न दिखाया, आप ऑब्जर्व करो इसमें,
और देखो ये डेली टाइम फ्रेम में चेक करना है आपको, ये देखो ये डेली टाइम फ्रेम में एनालिसिस है, तो डेली टाइम फ्रेम में तो इसको वक्त भी लग सकता है। ये कभी अब ये जैसे कैंडल है, यहाँ पर परसेंटेज अगर आप देखोगे तो ये 5% की कैंडल है, तो कुछ भी हो सकता है। हम लोग टाइम को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, तो यहाँ पर एक बुलिश कैंडल खड़ी हो जाएगी, या 7% 5% या फिर थोड़ा रेंज में चले जाएगा, थोड़ा नीचे भी आ सकता है, थोड़ा इतना बहुत टाइम भी ले सकता है ये, तो टाइम को प्रेडिक्ट नहीं करना है। हम लोग सिर्फ यहाँ पर अगर हमारी ये बाइंग प्राइस है वहाँ पर बाई करेंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे, छोड़ देंगे, टारगेट मिलेगा तो ले लेंगे, स्टॉप लॉस मिलेगा तो ले लेंगे। ठीक है, ऐसे ट्रेड करना है, सिंपल ट्रेड करना है, दैट्स इट। थैंक यू।